हैप्पी नवरात्रि दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में आप सभी का। आज मैं फिर एक और हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी। तो मैं बादाम का हलवा बनाऊंगी। तो देख लीजिए, मैंने आलमंड्स को 4-5 घंटे के लिए भिगो लिया था और उसके बाद मैं इसको ग्राइंडर में ग्राइंड करूंगी। मैं इसमें छिलका नहीं उतार रही हूं, क्योंकि छिलके में भी बहुत सारे विटामिन होते हैं। तो मैं इसको देखिए छिलके साथ ही मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और मैं बस, मेरा कढ़ाई भी गर्म हो चुका है तो मैं इसमें फटाफट घी डाल देती हूँ। तो घी आप अपने हिसाब से डालें, जितना आपको खाना हो। तो ये माँ के प्रसाद के रूप में भी इस हलवे को आप चढ़ा सकते हैं और इसको खा सकते हैं। तो देखिए घी मेरा गर्म हो चुका है, तो फटाफट मैं उसमें पिसे हुए आलमंड्स को मैं इसमें डाल दे रही हूँ और इसे हमें सुनहरा भुने होने तक पकाना है। तो मैंने लगभग 100 ग्राम मैं ली हूँ इसमें आलमंड्स, जो बादाम है मैंने 100 ग्राम लिया है और 2.5 चम्मच मैंने घी लिया है। तो देखिए हमें इसे लगातार चलाना है। नवरात्रि में तो डेली माँ के प्रसाद में कुछ ना कुछ नया बनता ही है, तो माँ को तो हलवा बहुत पसंद है। तो कल मैंने, आपको पता ही है, मैंने नारियल का हलवा डाला था, तो आज मैं बादाम का हलवा बना रही हूँ। तो आप लिंक में जाके देख सकते हैं नारियल का हलवा भी, और आज तो मैं बादाम का हलवा शेयर कर रही हूँ। तो आपको अगर मेरी रेसिपीज पसंद आते हों तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें। देखिए अब ये भून रहा है, अब अच्छे से हमें इसे चलाते रहना है। देखिए अब ये मेरा लगभग भून चुका है, तो अब मैं इसमें दूध डालूंगी। तो दूध आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन उसको उबालने में टाइम लगेगा। लेकिन जितना आप आलमंड्स लें उससे डबल आप दूध उसमें डाल दें। मतलब कटोरी की मेजरमेंट से अगर आपका कटोरी एक है तो 2 कटोरी आप दूध डाल दें और उसको अच्छी तरह से पकाएं। तो देखिए मैं उसको पका रही हूँ अब दूध में, और मैं इसमें कुछ काजू बादाम मैं इसमें डाल दे रही हूँ। अब मैं इसमें चीनी ऐड कर दे रही हूँ, चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना आप मीठा पसंद करते हो। तो देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है अब इसमें। आप चाहे तो ऐसे भी इसको गैस बंद कर सकते हैं और आप चाहे तो और भी इसे सुखा भी सकते हैं, क्योंकि ये जैसे ही आप इसको ठंडा करोगे ये अपने आप ही ये थोड़ी सी टाइट हो जाएगी। बाकी और अगर आपको पूरा सुखा लेना है तो वो अपने हिसाब से आप कर ले, क्योंकि ये ठंडे होने के बाद थोड़ी सी ये गाढ़ी हो जाएगी। तो देखिए ये हो चुका है, अब गैस बंद कर देते हैं। देखिए अब मैं इसे एक कटोरी में ट्रांसफर कर रही हूँ। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, आपको जो जो पसंद हो आप डाल सकते हैं। ऐसे सिंपल बनाना हो तो बस फटाफट इसको बना करके आप माँ दुर्गा का प्रसाद चढ़ाइए। तो देखिए मेरी जो हलवा है वो रेडी है, मैंने पिस्ते से उसे गार्निश कर दिया है। देखिए कितना डिलीशियस ये बना है। तो दोस्तों अगर पसंद आई हो रेसिपी तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी। फिर ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू।